को इन्वेस्टमेंट छोटे तो शहरों में भी भरता आए। आए है नमस्कार आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में मैं हूं मुकुल शर्मा विचार विमर्श में हर सप्ताह आपके लिए एक नया विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर हुए हैं आज हम खासतौर से बात करने जा रहे हैं कैसे मशीन बैंकों के जरिए हमारी खेती आत्मनिर्भर हो रही है आप सोच रहे होंगे आखिर मशीन बैंक क्या है जी हाँ अगर खासतौर से बात करें कस्टम हायरिंग सेंटर की सी इसको अब हमारे किसान जो है बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं मशीनों की जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है जितनी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हमारे किसान करेंगे उतना ज़्यादा लाभ उनको मिलेगा लेकिन जो आधुनिक तकनीक जब किसानों के बीच पहुँचती है तो लागत की वजह से किसान थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं और इसी वजह से सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना शुरू करके कस्टम हायरिंग सेंटर की शुरुआत की जिसके तहत अब जो किसान हैं कस्टम हारिंग सेंटर से जितने समय के लिए उन्हें मशीन की आवश्यकता है वो वहां से ला सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं आने वाले समय में ना सिर्फ जो आधुनिक तकनीक है उसका किस तरीके से विस्तार होगा और कैसे ये कृषि के विकास में सहायक होगी इस बारे में आपको हम जानकारी देंगे और साथ ही जानकारी देने के लिए वेदिक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे हम करा दें हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर वी काले जी आप अपर आयुक्त हैं कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में नमस्कार सभी किसान भाइयों और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर मिश्र जी आप कृषि अभियांत्रिक संभाग के अध्यक्ष हैं बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर इंद्रमणि जी और साथ ही आप बता दें हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजीव चौधरी <coughs> जी आप निदेशक हैं कृषि अभियांत्रिक विभाग मध्य प्रदेश से बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राजीव आपका भी और साथी हमारे साथ प्रशांत जी भी जुड़ेंगे जो कि कस्टम हायरिंग सेंटर चलाते हैं इनका किस तरह का अनुभव रहा कैसे शुरुआत हुई और किस तरह की चुनौतियां इनके सामने रही ये भी हम इनसे जानेंगे लेकिन आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर मौजूदा समय में जब कोई भी क्षेत्र मशीनीकरण से अछूता नहीं रह गया है तो ऐसे में खेती के विकास के लिए भी मशीनें जरूरी हो गई हैं मशीनों का खेती में काफी अहम योगदान होता है खेती किसानी में नए नए कृषि यंत्रों के उपयोग से न सिर्फ किसानों का समय बचता है बल्कि पैसों की भी बचत होती है लेकिन खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी यंत्र और मशीनें इतनी भी सस्ती नहीं होती कि हर किसान उसे खरीद सके किसानों की इसी चिंता को खत्म करने के लिए सरकार ने कस्टम हायरिंग सेंटर्स खोले हैं इन सेंटर्स का फायदा ये है कि अगर कोई मशीन इतनी महंगी है कि किसान उसे खरीदने में असमर्थ हैं, तो वो मशीन को खरीदने की बजाय उसे किराए पर ले सकता है कस्टम हायरिंग सेंटर लगाने के लिए ग्रामीण उद्यमी पंजीकृत किसान समिति कृषि उत्पादक संघ और पंजीकृत एन समूह पात्र होते हैं इस योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर यानी कृषि यंत्र बैंक खोलने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी दी जाती है कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 40 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है अगर आप कॉपरेटिव ग्रुप बनाकर मशीन बैंक तैयार करते हैं तो ग्रुप में छह से आठ किसान होने चाहिए इसमें दस लाख रूपए तक का प्रोजेक्ट पास करा सकते हैं यानी आपको आठ लाख रूपए तक की सब्सिडी का फायदा मिल सकता है इतना ही नहीं कृषि मंत्रालय ने कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने और उसका फायदा लेने के लिए सी एच सी फार्म मशीनरी एप भी लॉन्च किया है जो किसानों को उनके इलाके में स्थित कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटरों से जोड़ता है इस ऐप को फार्म ऐप भी कहा जाता है इस ऐप के जरिए सभी कृषि मशीनरी कस्टम सेवा प्रदाताओं और किसानों व उपयोगकर्ताओं को एक मंच पर लाया गया है ये ऐप एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के अनुकूल है आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप में 12 भाषाओं में जानकारी दी गई है इस मोबाइल ऐप के जरिए आप विभिन्न राज्यों के स्थानीय किसान कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे सभी कस्टम सेवा प्रदाताओं की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग बिना किसी कंप्यूटर सपोर्ट सिस्टम के कर सकते हैं ये योजना उन किसानों के लिए तो फायदे की है ही जो महंगी मशीनें नहीं खरीद सकते साथ ही बेरोजगार युवकों के लिए भी ये फायदे की योजना है क्योंकि वे अपना कस्टम सेंटर खोलकर रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो जाना अपने इस रिपोर्ट के जरिए मशीनों की अगर बात की जाए तो आज हर एक जगह जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है लेकिन जब बात कृषि क्षेत्र की आती है तो ना सिर्फ पुरानी मशीनरी जो थी आवश्यकता थी कि उसमें बदलाव लाया जाए ना सिर्फ उसकी जो लागत है वो कुछ कम हो सके बल्कि उसके जरिए जो हमारे किसान काम लेते हैं उसमें भी बदलाव किया जाए और उसी वजह से लगातार अलग अलग मशीनरी जो है वो हम देखते हैं किसानों के बीच पहुँचती है और सबसे पहले यहाँ डॉक्टर मणि आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरह की आवश्यकताएँ हैं, हैं जो महसूस की जाती हैं कि अब किसान को इस मशीन की आवश्यकता है और फिर एक तरीके से उपकरण की हम बात करें यंत्र की हम बात करें वो किसानों के बीच पहुँचता है कृषि में मशीनरी का प्रयोग एक महत्वपूर्ण विषय है आधुनिक खेती मशीन आधारित खेती है इंजीनियरिंग एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है हमारी खेती का और चूँकि भारत में अलग अलग होल्डिंग साइज के किसान हैं आपको पता है कि एक बहुत बड़ा बड़ी संख्या है जो छोटे किसानों की है तो ये जो कस्टम हायरिंग के कॉन्सेप्ट है एक तरह से कॉपरेशन के कॉन्सेप्ट है आपको पता होगा कि पहले भी जब हम लोग खेती करते थे तो शेयरिंग जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट थी एक एक आदमी का एक बैल होता था दूसरे के बैल के साथ या दूसरे से मांग करके खेत पे खेती करने का सिस्टम था एक पुरानी कहावत है घाघ साहब हमारे एक कभी हुए थे जो खेती के बारे में उनके विचार आते थे और उन्होंने लिखा था बहुत पहले कि नाटा खोटा बेच के चार धुरंधर ले आपन काम निकाल कर अपन और मगनी देव। तो उसका ये कॉन्सेप्ट थी कि आप अच्छे अच्छे बैल आग पे होंगे और मजबूत बैल हों अपना भी काम करो और दूसरों का भी शेयर करो दूसरों से उसी कॉन्सेप्ट को आज कस्टम हायरिंग के रूप में लाया गया है क्योंकि हमें ये कोशिश है कि हर खेत को मशीनरी मिले हर खेत तक हर किसान तक मशीन पहुंचे और जो मशीनरी उपलब्ध है जैसा आपने बताया कि मशीनरी के दाम ज्यादा होते हैं तो उनको ज्यादा एक हर कितने घंटे यूज किया जैसे हम मानते हैं कि एक ट्रैक्टर अगर आपके पास है तो एक हजार घंटे उसका उपयोग होना चाहिए तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि पचास या सौ घंटे ही उसका साल भर में उपयोग हो रहा है तो वो देश की संपदा है और उसका जितना उपयोग हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है तो समय पर खेती हो मशीनों के द्वारा खेती हो सब किसानों को मशीनरी मिले और जितनी मशीनरी उपलब्ध है उनका भरपूर उपयोग हो इसका समाधान है कस्टम हायरिंग तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स को इसी भाव, भावना को लेकर के राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण ये ये योजना चलाई है और ये बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव साबित हो रही है जी बिल्कुल काफ़ी असरदार इसको हम मान सकते हैं और खासतौर से डॉक्टर वीवीन काली जी अगर देखें तो ना सिर्फ हमारे जो किसान हैं जैसा कि अभी डॉक्टर मंडी ने भी बताया कि किस तरीके से जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा रहती थी लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सरकार की तरफ से प्रावधान दिया गया है आर्थिक मदद हमारे जो कस्टम हायरिंग सेंटर है उसको खोलने के लिए भी दी जाती है किसानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ डीडी किसान चैनल को कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज वो चर्चा उन्होंने लेकर आए हैं तो जो कस्टम हायरिंग सेंटर जो कंसेप्ट है जैसे कि मेरे मित्र डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमारे देश में जो है लगभग 86 परसेंट जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं तो ऐसा है कि सभी किसान जो है वो जो बड़ी कॉस्टली मशीनरी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसी के लिए ये प्रावधान कर आ, हमने लेके आए कि एक कस्टम हायरिंग सेंटर का प्रोविज़न तो जिसमें यह है कि जितनी भी बड़ी मशीनरी है वो कस्टम हायरिंग से द्वारा आप प्राप्त कर सकता है और अपना जो है खेती कर सकता है तो एक तरह का एक टैक्सी मॉडल है जिस तरह से हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम कार हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन आप किराए से कार लेते हैं काम होने के बाद जैसे छोड़ देते उसी तरह से एक कंसेप्ट है टैक्सी मॉडल तो यहाँ पे जो किसान जो भाई जो है अपना कस्टम हायरिंग सेंटर से मशीनरी लेता है अपना और पूर्ण तरह से अपनी खेती बाड़ी करता है और उसके बाद फिर वा, वापस वो अपने मालिक के पास चला जाता तो इसमें भारत सरकार ने जो है बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्लैक्स की स्कीम जो है सबमिशन एग्रीकल्चर ले करना कोई अगर इसकी शुरुआत करना चाहता है तो कैसे इसके लिए शुरुआत करे या कहाँ आवेदन इसके लिए देना होगा तो मैं वही कहना चाह रहा था कि जो ये फ्लैगशिप स्कीम है भारत सरकार ने पूरे राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में हम इसको अपने ये जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसमें भारत सरकार ने जो है अगर कस्टमहारिंग सेंटर स्व स्वतः अगर वो करना चाहता है तो उसको फोर्टी परसेंट तक हम लोग वहाँ पे उसको सहायता प्रदान करती है भारत सरकार और राज्य सरकार के मिलकर के और अगर किसान का समूह अगर कोई बनाता है आठ से दस फार्मर किसान लेकर साथ में आते हैं तो ये जो पर्टिकुलरली ऐसे जगह पे जहाँ पे छोटे और मंझोले किसान हैं और जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे मिकनाशीन पहुंचा नहीं तो उस जगह पे ये जो हमारी फार्मी बैंक है जिसको हम आ, जो स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स के लिए जो बनाई है स्पेसिफिकली वो तो उसमें हम लोग 80 परसेंट सब्सिडी देते हैं प्रतिशत और, है। और खास तौर पे नॉर्थ ईस्टर्न के लिए नाइन हम लोग उसको सब्सिडी प्रदान करते हैं तो देखिए कितने तो काम की चीज है और कितने काम का ये बैंक हमारे किसानों के लिए आपको आर्थिक मदद भी सरकार द्वारा दी जाती है और काफी बड़ा अनुदान इसको हम मान सकते हैं ना सिर्फ जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके लिए बल्कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी अगर देखा जाए हमारे साथ मध्य प्रदेश से

दो से तीन फसलें एक साल में ले रहे हैं तो हर चीज़ किसानी का जो काम है वो हमें बड़े समय पर पूरा करना है और ये यदि हमें समय पर कोई भी ऑपरेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरे करने तो बिना मशीनों के संभव नहीं है फिर दूसरा जो पहलू है कि बहुत आधुनिक मशीनें अब विकसित हो गई हैं हर कार्य के लिए तो हर तरह की मशीन किसान भाई नहीं खरीद सकते हैं विशेष रूप से जो तो हमारे लघु सीमांत वर्ग के जो तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है वो मशीनें नहीं ले सकते तो जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि ये कस्टम पे किराए के ऊपर ये एक सुविधा उपलब्ध रहती है मध्य प्रदेश में ये योजना काफी सफल सिद्ध हुई है जी। और हमारे प्रदेश में तीन हजार से ज्यादा कस्टम सेंटर से यहाँ पर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और ये मध्य प्रदेश में हमने इसमें ग्रामीण युवाओं को इसमें जोड़ा है और सभी सेंटर्स जो है वो हमारे ग्रामीण युवा साथी इसको संचालित कर रहे हैं और एक सेंटर जो औसतन हमारे यहाँ सौ से लेके डेढ़ सौ या दो सौ तक फार्मर्स जो है वो एक कस्टमाइजिंग सेंटर से लाभ लेते हैं अपने खेती किसानी का जो आवश्यकता रहती है उसमें मशीनें प्राप्त करते हैं जी ये ही सेंटर्स में हमने फोर्टी परसेंट की सब्सिडी उनको उपलब्ध कराई है और बाकी की जो राशि रहती है वो हम बैंक लोन के माध्यम से हमारे साथी लोग इसका बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं काफी बेहतर स्थिति डॉक्टर राजीव जो आप बता रहे करीब तीन हजार से ज्यादा जो कस्टम हरिक सेंटर हैं वो मध्य प्रदेश में संचालित हैं और वो भी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में युवा हैं देखिए एक तरीके से अगर देखा जाए तो रोजगार का जरिया भी उनके लिए बन रहे हैं लेकिन जब मशीन की बात हम करते हैं डॉक्टर नंद्रमणि कौन कौन सी ऐसी मशीनरी है जो इस बैंक में हमारे किसानों को मिल जाती है हमारे जो सेंटर्स बने हैं इसमें पावर सोर्स और प्राइम मूवर्स हैं जैसे ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर भी उन सेंटर पे उपलब्ध हैं और उनसे काम में आने वाली मशीनें सबसे पहले ट्रिलेज की मशीनें हैं प्राइमरी ट्रेलेज सेकेंडरी ट्रिलर्ज की मशीनें हैं सोइंग की मशीनें हैं कई सेंटर पर क्राप जैसी है जो जो एरिया जिस क्राप के लिए फेमस है वहाँ पर पोटैटो का एरिया तो पोटैटो की जो सीड प्लांटिंग की और हार्वेस्टिंग की मशीनें हैं और धीरे धीरे हमने इस इसको बढ़ा रहे हैं जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ, बहुत ये देखा गया है कि क्राप जिस तरीके के है जो क्रॉपिंग सिस्टम जहाँ का है उस तरह की मशीनें वहाँ उपलब्ध कराई जाए जी यानी पहले सुनने में आता था कि इस तरह की कोई मशीन आई है और जो आ, किसान है उस मशीन को देख भी नहीं पाते थे लेकिन अब वही मशीन उनके गाँव तक पहुँच पा रही है हाँ गांव तक पहुंच पा रही नहीं है बहुत सुविधा के साथ पहुंच रही है और उसका वो उपयोग कर रहे हैं और ये भी हर कोशिश की जा रही जैसे सारी इस तरह के इफर्ट हैं कि पहले क्या होता था मूवमेंट वगैरह में ज़्यादा समय लगता तो इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छा किया जा रहा है ऐप के माध्यम से लाया जा रहा है जिनके माध्यम से उनको आ, बिना विलंब के चूंकि सबसे पहले पहले कस्टमर हायरिंग में यही तरह की शिकायत आती है कि साहब हमें जब ज़रूरत है तब नहीं मिलती तब नहीं तो इसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेशन मीडियम को इम्प्रूव किया जा रहा है और बिल्कुल जैसा हमारे मित्र ने बताया कि टैक्सी मॉडल का तो वहाँ पर जैसे ऐप से आप बुक करते हैं उसी तरह से इसमें भी यही कोशिश है कि ऐप से बुक करके और डिटेल आपको उसके बारे में किसान भाई समझ सकते हैं जो हमारा मंत्रालय की जो वेबसाइट है उस पर ऐप है और वहाँ उसको उपयोग करके आ, खेती का जो सबसे बड़ी यही बात है चैलेंज क्या है बीस दिन की विंडो होती है जो क्रिटिकल ऑपरेशन है का है तो हार्वेस्टिंग का है तो उस उसी, उसी चैलेंज को मीट करना है इसलिए यह था कि मशीनें उपलब्ध कराई जाए और समय पे उपलब्ध हो रही है सूचना तंत्र के माध्यम से उनको डिले ना हो जी बिल्कुल और खास तौर से आज के समय की अगर बात करें डॉक्टर वीन काले जी क्योंकि हम सूच सूचना की बात करते हैं कि समय रहते वो किसान तक पहुंचे और किसान की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके सी सी मोबाइल ऐप की अगर बात की जाए तो जहां तक मुझे जानकारी है। करीब बारह भाषाओं में ये ऐप हमारी शायद किसानों को अपनी सुविधा दे रही है हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि ये सूचना का क्रांति है आज के दौर में तो आप देखेंगे कि किसानों को हर जो मशीन है जो टाइमली आपको मिलनी चाहिए तो इसलिए भारत सरकार ने फार्म्स नाम के एफ नाम से एक ऐप लॉन्च किया है जिसको फार्म मशीनरी सर्विसेज के नाम से जाना जाता है जी। तो इसमें हमने देखा हमने सभी किसानों को जितने भी किसान हैं ज़्यादातर पे सभी राज्यों के उनको जोड़ने का प्रयास किया उसमें कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी जोड़ने का प्रयास किया साथ साथ में अगर किसी की एक मशीन है या दो मशीन है और वो भी किराए पे देना चाहता है ऐसे भी किसान भाई जो है उस ऐप में जुड़े हैं तो आप देखेंगे कि चार पाँच पाँच लाख के ऊपर जो किसान इसमें जुड़े हैं और ये सिंपल ऐप है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको और इसकी रेंज हमने दो सौ से 300 किलोमीटर तक के ऊपर हमने रेंज बढ़ा दिया ताकि मान लो मान लीजिए आप देखिए एक ये कि कई जगह पे जो होता है कि जैसे कंबाइन हार्वेस्टर से वो हर जगह उपलब्ध नहीं होती है जैसे आपने देखा कि नॉर्थ से साउथ में जाती है आपकी सारी मशीनें और नॉर्थ फिर साउथ से होते हुए फिर नॉर्थ तक आती है तो इस तरह से वो हमारा चक्कर पूरा करते हैं तो आप देखेंगे कि पंजाब के जो कस्टमर जो किसान हाँ जो मशीनें हैं वहाँ साउथ में जाती है तो इस तरह से हमने दो से तीन किलोमीटर का वो रेंज रखिए ताकि कहीं पर भी अगर वो मशीन उपलब्ध है तो तुरंत वो रडार में आके मतलब उस ऐप के द्वारा वो जो है उसको किराए पे ले सकता है बिल्कुल देखिए 200 से 300 किलोमीटर का एक दायरा बना दिया गया है क्योंकि कई जगह हम देख सकते हैं हमारे जो मार्ग हैं वो काफी सुगम होते हैं तो और जल्दी जो आपकी मशीन है वो समय रहते आप तक पहुंच जाती है डॉक्टर राजीव आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपने बताया करीब तीन से ज्यादा जो सी सेंटर है वहाँ संचालित हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या युवा हैं वो किस तरीके से इसको एक रोज कार का साधन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मध्य है, ग्रामीण क्षेत्र की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि ग्रामीण युवा यदि पढ़े लिखे भी है तो वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जी हमारे मध्य प्रदेश में ही जो हमने एक स्टडी की है योजना आयोग ने तो करीब चार से पांच लाख युवा है जो हर साल पलायन करते ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में यदि इन युवाओं को यदि ग्राम स्तर पर ही कोई रोजगार के साधन मिलेंगे तो निश्चित रूप से गांव में रहेंगे अपनी खेती किसानी भी इम्प्रूव करेंगे और कुछ आय भी अर्जित कर पाएंगे जी ये जो हमारा आ, हमारे जो तो कस्टमर मध्य प्रदेश में हमने ये पाया है कि दो से तीन लाख चार लाख रुपए तक की आय प्रतिवर्ष आसानी से कर रहे हैं और सौ से डेढ़ किसानों को ये सुविधाएं दे रहे हैं अपनी खुद की खेती भी इंप्रूव कर रहे हैं और जो आम किसान भाई जो मशीनें वो यूज कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी में भी 20 से 25 परसेंट तक का इजाफा हम लोगों ने स्टडी में पाया है तो ये काफी सफल मॉडल है आ, मैं एक चीज और शेयर आज करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक शुरू है माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लाख करोड़ का तो इस इस वर्ष से मध्य प्रदेश में हमने कस्टम हायरिंग सेंटर की योजना को उस योजना से जोड़ दिया है और उसका उसके का फायदा ये हुआ है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो बैंक लोन लेने की हमने शर्त रखी है या हमारे साथी जो कस्टम हायरिंग सेंटर लगा रहे हैं वो लोन लेते हैं तो इस योजना के अंतर्गत तो उनको बैंकों से जो लोन है वो काफी कम ब्याज दर के ऊपर उपलब्ध हो रहा है मध्य प्रदेश में करीब ये पांच से छह की ब्याज दर के ऊपर आसानी से आप लोन मिल रहा है इसमें उनको कोई भी को या इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये योजना और तेजी से मध्य प्रदेश में काफी आगे बढ़ा है जी बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं जिस तरीके से जो मशीनों की जब हम बात करते हैं जिस तरीके से इनका उपयोग हर एक क्षेत्र में बढ़ा है उसी तेज़ रफ्तार से कृषि क्षेत्र में भी इनका उपयोग बढ़ रहा है लेकिन खासतौर से डॉक्टरमणि अगर देखा जाए जो मशीनें हैं इन्हें रखरखाव की आवश्यकता बेहद ज़रूरी होती है इनका प्रबंधन आप कैसे कर रहे हैं एक मशीन का हमने उपयोग किया उसके बाद उसको कैसे रखना है ये सारी जानकारी कैसे किसान तक पहुँचती है क्योंकि मशीन तो उन्होंने ले ली हाँ तो एक तो यह है कि जो हमारा ये किसान चैनल है जी इसके थ्रू कई बार हमारे साथी और हम लोग खुद आकर के मशीनों के रख रखाव की बात करते हैं जी और ये भी बात दूसरी सही है कि जो कस्टम हायरिंग की जो मशीनें एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती हैं तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल का नहीं रहता पूरे ग्रुप का रहता है तो वहाँ पर मशीनों का मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है तीसरी बात इसमें एक जो बहुत कस्टम हायरिंग के थ्रू जुड़ी है मुकुल जी वो ये है कि जो महंगी मशीनें थी जिनका किसान उपयोग नहीं कर सकता था जी उन वो कस्टम हायरिंग के थ्रू पॉसिबल हुई और हमारे मित्र जय बात कर रहे थे काले साहब की 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की रेंज की गई तो हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम है भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो का आपकी मेचोरिटी का टाइम है वो इतना बैरिड है कि वो वो कस्टम हायरिंग को मदद करता है जी, जी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा और किसान भाई उसको अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं कि जो अगर करनाल यहीं का लीजिए करनाल के पास कस्टम हार विलेज ही है जहाँ पर कंबाइन हार्वेस्टर नहीं था बट कंबाइन हार्वेस्टर शुरू हुआ अब वहाँ पर वो क्या कहते हैं बीस फरवरी के आसपास वो किसान लोग जो कस्टम जो हुईट की सीजन की बात बता रहा हूँ मैं तो वहाँ से वो निकल करके और आपका जो मेचोरिटी आती है जैसे बताया था काले साहब ने कि मेचोरिटी का सीजन ऐसा होता है कि वो तो, वो तो, अपना राजस्थान के पार्ट को लेते हुए और घूम करके और फिर वो काफ़ी लंबा एक क्या कहते हैं रेंज लेते हैं और लौट करके ये ये आगरा वगैरह होते हुए और बाद में करनाल वो दस अप्रैल को आते हैं तो हमने जो शुरुआत में एक बात कही थी कि, कि कस्टम हायरिंग का इंस्टिट्यूशन उन्होंने कहा जो 20 दिन की विंडो जो मैं बात कर रहा था वो 20 दिन की विंडो 20 दिन नहीं रह जाती आपकी 30 और 40 दिन से ज्यादा हो जाते हैं ब्रदर ये देखें कि 10 दिन फे, फेबरवरी के 10 दिन मिल गए पूरा मार्च और 10 अप्रैल को तो ये कस्टम हायरिंग ने ये भी ये भी एक मदद की है और उससे उनको बिजनेस भी खूब मिलता है बहुत ही है कड़ियाँ जुड़ी हैं वो हर एक हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम उनके मेच्योर होने का समय जो है वो भी कस्टम हायरिंग को फेवर करता है ऐसे भी हुआ है कि बहुत किसान जैसे एक बात आई कि हम किसानों को भी इंकरेज करते हैं कि आप अपनी मशीनें लेकर के इसमें जुड़ सकते हैं तो ऐसा भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ खुर्जा के पास एक बड़ा मशीन ग्रू जो कैरेट कैरेट किंग की बात करते हैं कैरेट मशीनें यूज होती हैं तो ये किसान भाइयों को समझना है कि अगर इस तरीके की चीजें लाते हैं आपके पास आज पैसा नहीं है लेकिन आप कस्टम हायरिंग पर काम करके उसी मशीन के ओनर बन सकते हैं बिल्कुल ये हमें समझना होगा देखिए अभी अगर आप अपने उपयोग के लिए एक मशीन लाते हैं और जब आपका उपयोग पूरा हो जाता है यानी आपके जो कृषि कार्य था वो आपने कर लिया जो मशीन है वो खाली है तो ऐसे में उसके जरिए आप आमदनी भी ले सकते हैं और इसके लिए आपको रुख करना होगा सी एस सी यानी हमारे कस्टम हारिंग सेंटर का इनके जरिए और किस तरीके से लाभ आपको आने वाले समय में मिल पाएगा कैसे भारी संख्या में किसान इनसे जुड़ रहे हैं इस बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे आप बने रहिए दूरदर्शन के पर के लिए देखिए हर शनिवार शाम साढ़े पाँच बजे सरकार आपके साथ सिर्फ दूरदर्शन किसान पर खुशहाल होंगे खेत पशु रहेंगे स्वस्थ सरकारी स्कीम का होगा लाभ जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम छह बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं कस्टम हायरिंग सेंटर्स की जी हां मशीन बैंक उनके जरिए कैसे हमारे कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता नजर आ रही है मशीनों का जो इस्तेमाल है वो बढ़ने लगा है और ये बात ना सिर्फ हमारे जो वैज्ञानिक हैं अभियंत्री सभा के वो मानते हैं बल्कि जो किसान है खुद इस बात को मान भी रहे हैं हमारे साथ जो किसान है वो जुड़े हैं प्रशांत जी प्रशांत जी सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कैसे शुरुआत की आपने कस्टम हायरिंग सेंटर की सर मेरे को पहले न्यूज में मिला जी अखबारों के द्वारा कि मैं क्या पहले से भी खेती करता था अपना हुँ. तो उसी के संबंध में मैं सोचा कि कहीं दूसरे न जाके नौकरी न करके अपना यही खुद का बिजनेस करें जी. और खेती से भी अपना जुड़े रहेंगे तो अपना मैं सोचा फिर नाम आया कि मेरे अंकल जी बताएं कि कस्टम हायरिंग का एक सिस्टम रहता है उसमें आपको सब कृषि यंत्र जो, जो जरूरत है वो मिल जाएंगे उससे हमने फिर मैं प्रयास किया तो मेरे को सफलता हासिल हुआ फिर मैं कस्टम हायरिंग लिया अपना प्रशांत जी लेकिन जब शुरुआत आपने की तो कुछ चुनौतियां भी रही या जो आसपास के के आपके साथ किसान थे उन्होंने भी कुछ कहा होगा कि किस तरीके से शुरुआत की किस तरह की समस्याएं रही थी, थी तब फाइनेंशियल करा था उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है अगर अपने पास बजट है तो ठीक नहीं है तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ वहां से हम्म लेकिन सरकार की तरफ से जो मदद की जाती है जी सरकार की तरफ तो से जो मदद मलग... रहता अपना फॉर्म भरते रहो आते अगर वो अपना यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से आता रहता है तो आप समझ समझ के फिर करते रहते आगे कदम बढ़ाते रहते जी अब आज के समय में कितने किसान है जो आपके कस्टम हरिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं मेरे यहाँ लगभग सौ से डेढ़ सौ मक्का लेता हूँ बिल्कुल लेकिन अलग अलग मशीनों की अगर बात की जाए तो कौन सी मशीनरी है जो आपके मशीन बैंक में उपलब्ध है कस्टम हारिंग सेंटर पर सर मेरे पास मशीन है ट्रैक्टर है रोटावेटर है जी रिवर्स प्लाउ है रेज वेस्ट प्लांटर है जीरो टिल ट्रिल है फर्टिलाइजर मल्टी क्रॉप थ्रेसर है बड़ी थ्रेसर है वो थ्रेसर अभी हम अपने शहडोल जिले में नहीं है किसी के यहाँ जी पूरे जिले में नहीं है लेकिन आपके पास है नहीं मेरे पास है वो मैं लिया था अपना भोपाल से लिया था पुन्नी का थ्रेसर था टोकरी मॉडल जी तो उसके कारण भी और थोड़ी चल रहा है क्या है कि लेबर वर्क कम लग रहा है और उनको भी फायदा है लेबर की चार्ज कम लग रहा है उनको तो प्रशांत जी कम समय आप में ज्यादा माल निकाल रहा है अपना जी आपके सेंटर से जो किसान है आपके गांव के ही जुड़े हैं या कोई दूसरे जिले के आसपास के जिले जो हैं वहां से भी देखे तो सर अभी क्या है अपने यहाँ टोटल होती है गेहूं और सोयाबीन की खेती जी तो हम हमको टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम दूसरे जिले में जाए काम करने जी तो यहां ही मतलब इतनी मांग आ, जो है रहती है रहती जी जी अपने यहाँ अपने गांव क्षेत्र में इतना मांग है कि हम हम कम कर कर काम नहीं कर पाते मना कर देते जी टाइम नहीं मिल पाता समय जो है वो जाहिर तौर पर नहीं रह पाता और इतना कीमती समय आप हमें भी दे रहे हैं आप, अपने अपने क्षेत्र में अभी कस्टम हायरिंग केवल सहडोल जिले में मेरे इस क्षेत्र में बारह तेरह गाँव है जी केवल एक ही गाँव है अभी कस्टम हायरिंग का जी और एक है तो जो शहडोल है शहडोल में क्या है कि कोई भी मंगवाता है सामान तो उसका फिर भाड़ा लगता है वो आने जाने का जी उनको ज्यादा लगता है प्रशांत जी कोई ऐसी भी मशीन है जो आप चाहते हैं कि वो सेंटर में आए आपके सर मैं सोच रहा था उसका मशीन स्टोन पी का जी जो पत्थर बिनने वाला क्या, कुछ जगहों में अभी पत्थर रहता है तो खेती करने में थोड़ी दिक्कत होती है जी 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 मैं सोच रहा था कि अगले बार जब देखता हूँ अपना बजट जैसा भी है तो स्टोन पीकर के लिए आवेदन करूंगा क्या आप, अपने क्षेत्र में यहाँ यहाँ से अपने गांव से 10-20 किलोमीटर के अंदर हुँ. वो है स्टोन क्रेशर बहुत सारे हैं जी तो ये मेरे को प्लस पॉइंट मिलेगा क्रेशर वाले मेरे को बोलेंगे भैया मेरा भी काम कर दो या पत्थर बिंद दो जी तो अपना गिट्टी वगैरह जो भी बनाएंगे क्रेशर वाले जी बिल्कुल प्रशांत जी हम उम्मीद यही करते हैं जो नई नई मशीनरी आती है वो आपके कस्टम हरिक सेंटर में जरूर पहुंचे और जैसा आपने कहा कि समय जो है वो निकालना मुश्किल रहता है तो आने वाले समय में भी, भी आपकी व्यवस्था इतनी रहे जिससे आपको और भी आर्थिक लाभ हो सके साथ ही जो किसान इस सेंटर से जुड़ रहे हैं उन्हें भी लाभ हो आधुनिक मशीन जो है उनके खेतों तक पहुँचे उनकी जो फसलें हैं उसकी गुणवत्ता और जो उत्पादन है उसमें भी इजाफा हो पाए और लाभ हमारे जो किसान हैं उनको मिल सके यहाँ फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे विशेषज्ञों के साथ हम बात करेंगे कैसे हमारी जो मशीन बैंक है उनका भविष्य हमें नजर आ रहा है और कौन कौन सी नई मशीनें हैं हैं जो इसमें आने वाले समय में जुड़ सकेंगी फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए कहां से पाए फॉर्म कहां करें जमा किस करें बात कौन से कागजात कहां होंगे जमा क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन आजादी के पचहत्तरवे साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम साढ़े पांच बजे सरकार आपके साथ सिर्फ दूरदर्शन किसान पर क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं चाहते हैं डॉक्टर की सलाह तो हम हैं आपके साथ बताएंगे आपको जीने की राह समस्याएं आपकी समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में आज हम बात कर रहे हैं मशीन बैंक की और उसके ज़रिए आ रही आत्मनिर्भरता की जो यहाँ कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर की अगर बात तक की जाए देखिए किस तरीके से ये काम करते हैं और इसके लिए आवश्यक यही रहता है कि हमारी सरकार की जो नीतियाँ रही हैं और उससे पहले जिस तरीके से तकनीकी विकास को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी गई ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बारे में डॉक्टर वीनकाले आपसे हम समझना चाहेंगे जब हम सी की बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हमारे जो किसान हैं सी सी से जुड़ते हैं जाकर लेकिन इसके लिए अगर खास तौर से देखा जाए तो क्या प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है हाँ बिल्कुल बहुत ही आवश्यक है ये उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो भारत सरकार ने जो स्कीम लॉन्च किया तो इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन बहुत जरूरी है तो भारत सरकार ने देखेंगे कि एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन में बहुत पुरजोर दिया है और इसमें लगभग हमने जो है साढ़े सात हजार करोड़ के ऊपर हमने इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक मेकानाइजेशन नहीं होगा तो आप देखेंगे कि हमने लगभग जो है सत्तर हजार जो है कस्टम हायरिंग सेंटर जो है वो पूरे भारत वर्ष में इसमें हमने आ, उसको शुरुआत की है और लगभग जो है पंद्रह लाख के ऊपर जो मशीनरी हमने डिस्ट्रीब्यूट की है भारत सरकार ने तो आप जो प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं तो हमारी जो है चारों रीजन मतलब भारत, भारत के पूरे चारों रीजन में जो है हमारी चार संस्थाएं हैं जो कि स्टेट ऑफ दी आर्ट उनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है और यहाँ पे किसानों को जो है मुफ्त में उसको प्रशिक्षण दिया जाता है उनको आने जाने का खर्चा भी वहन करती है भारत सरकार में और वहाँ के रहने के लिए भी व्यवस्था पूर्ण तरह से निःशुल्क है तो मैं चाहूंगा कि यहाँ से एक माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि जो भारत सरकार की चार संस्थान है जैसे मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो हमारा हिसार हिसार जो है हरियाणा में वहां पे एक सेंटर है हमारा जो एक मध्य प्रदेश में बुद्धि में हमारा एक सेंटर है उसके साथ सदन के जो किसान है उन भाइयों के लिए जो हमारा अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक सेंटर है और नॉर्थ ईस्टर्न भाई के लिए जो हमारा असम असम में एक हमारा एक विश्वनाथ चारली जगह का नाम है वहां पे एक हमारा कस्टम अः जो प्रशिक्षण का जो है केंद्र, केंद्र है, है। तो इस तरह से चारों जगह पे हमारे भारत मतलब ताकि पूरा भारत सर भारत के जो किसान है उसको सम्मिलित तो देखिए चारों दिशाओं में भी आपके लिए प्रशिक्षण के लिए, लिए सुविधा दी जा रही है और करीब सत्तर हजार से ज्यादा हमारे जो कस्टम हायरिंग सेंटर हैं वो हम कह सकते हैं कि सुचारू रूप से अपना काम कर रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे जो मशीन है ये हमारे किसानों के खेतों तक पहुँच पा रही है लेकिन आने वाले समय में अगर देखा जाए मणि जो मशीनें हैं जाहिर तौर पर बदलाव उसमें हम लगातार देखते हैं समय के साथ साथ और किस तरह का बदलाव आप इसमें देख पाते हैं ये एक तो मैं थोड़ा काले साहब जो बात किए चार सेंटर के अलावा जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आईसीआर सी आर इन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो इंस्टीट्यूशन हैं जी वो भी इस तरीके के टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग के लिए ज्ञान के लिए उपलब्ध हैं तो किसान भाई वहाँ पर पहुँच और इतना बड़ा नेटवर्क के का है हुँ. तो के में भी आजकल जो है ना एग्रीकल्चर मशीनरी से रिलेटेड सब सूचनाएँ और जानकारी और ट्रेनिंग रहती है तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें अपने किसान भाइयों के स्किल को बढ़ाना और उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें बहुत प्रयास कर रही है और पूरा आईसीआर जो है ना वो बहुत कोशिश कर रहा है और हमारी चार इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो तो कर ही रहे हैं जी बिल्कुल आने वाले समय में जैसे हमने बताया कि अभी जो एक जो सो बहुत बड़ा जो कस्टम हायरिंग सेंटर का कस्टम हायरिंग की सुविधा होने के कारण जो हमारा जो कम्बाइंड हार्वेस्टर एक मशीन थी वो बहुत फेमस हुई वो आई इस्टा मैनेज करने के लिए भी इस तरह के देखें कि आपको मिनेस के रूप में कई बार देखते हैं बर्निंग वगैरह होता है तो वहाँ पर जो ये बहुत बड़ा जैसे काले साहब ने साढ़े अच्छा सात हजार करोड़ की बात बताई उसी में दो हजार करोड़ रुपए भारत सरकार ने इस्ट्रा मैनेजमेंट के लिए मशीनों को उपलब्ध कराया तो वो वो उस इन चीज़ों पर पूरा एस एम एम स्कीम जो हमारी है उसी से और उसमें बहुत एडवांस मशीनें भी आई जिनका हम उपयोग करें कृषि के साथ जैसे ट्रांसप्लांटिंग की मशीनें हैं उनको लेके आए हैं और आगे हमारा प्रयास है ये आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि जो हम भी उसमें से जुड़े थे काले साहब भी जुड़े हैं भारत में कृषि में द्रोण ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग पर्टिकुलरली पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए और इवन न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के लिए

को इंटरप्रन उसमें ले आना है और गांव गांव गा, और देहात में जो हमारे यूथ हैं उनको उनको अगर जॉब क्रिएट कराना है तो यह कस्टम हायरिंग सेंटर और नई नई टेक्नोलॉजीज को ला करके एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है यह हमें सबको समझना है और बिल्कुल एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम मान सकते हैं हमारे जो कस्टम हायरिंग सेंटर हैं जैसा आपने कहा कि अलग अलग तरीके की जो मशीनें हैं वो उसमें पहुंचाई जाती हैं और ये हमारे जो बैंक है ये देखिए अपडेट होते रहते हैं मशीनों के जरिए यहाँ डॉक्टर राजीव आपसे भी हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से आने वाले समय की अगर बात की जाए क्योंकि अब जो किसान है वो जानने लगा है कि मशीन का सदुपयोग वो, वो कैसे कर सकता है तो और किस तरह की मांग निकल कर आती है किसानों की जो हम मान सकते हैं कि जल्द पूरी होगी मशीनी तौर पर मशीनों में काफी तेजी से विकास हुआ और यदि हम अलग अलग ऑपरेशन की बात करें यदि हम खेत की तैयारी में देखते हैं तो बहुत सारा प्लाउ है पावर है, है इस तरह यदि करते हैं तो उसमें सिस्टम आया है न्यूमेटिक प्लांटर्स आए हैं फिर यदि हम पेडी में रोपा लगाने की बात करते हैं तो राइस ट्रांसप्लांटर्स आए हैं फिर यदि हम थ्रेशर की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत सारा चेंज आया है हाई कैपेसिटी के थ्रेशर आ गए यदि स्प्रेइंग की बात करते हैं तो ट्रैक्टर ऑपरेटर्स बहुत सारे बूम स्प्रेयर्स आ गए कटाई की यदि फसलों की कटाई है तो कई प्रकार के रीपर कंबाइंडर्स हैं और बहुत सारे चेंज हुआ है और ये सब कॉस्टली मशीन है। तो ये मशीने मध्य प्रदेश में किसान भाई बड़ी तेजी से इसका लाभ ले रहे हैं और ये लाभ केवल कस्टम सेंटर्स के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है क्योंकि तो ये मशीनों की कीमत ज्यादा रहती है किसान भाई इंडिविजुअल यदि उसको खरीदना चाहे तो नहीं खरीद पाते तो इन मशीनों को कस्टमरिंग सेंटर्स के माध्यम से निश्चित रूप से ये आम किसानों तक पहुंच जो है है वो इन सेंटर्स के माध्यम से किसान भाइयों को प्राप्त हो रही देखिए आधुनिक तकनीक जो है उसका इस्तेमाल हमारे किसान करें जिससे बेहतर परिणाम उनके सामने आ सके फिर चाहे हम बुआई की बात करें या उसके बाद कटाई तक की बात की जाए अलग अलग मशीनें हमारे पास हैं और खासतौर से डॉक्टर वोहन काली जी जैसा डॉक्टर इंद्र मणि ने जिक्र किया था ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो क्या वो भी हमारे कस्टम कस्टमहारी सेंटर जो हैं उन पर आने वाले समय में हमें नजर आएगी हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि भारत सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए बहुत पहल की खास तौर पर कृषि मंत्रालय ने क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप ड्रेन टेक्नोलॉजी से आप अगर अगर स्प्रेइंग करते हैं तो चार से पाँच मिनट में आप एक एक करते वही अगर आदमी से करेंगे तो उसको शायद पूरा दिन लग जाएगा तो ये बहुत सारी पहल है हमारी भारत सरकार की कि भारत सरकार ने जो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है जो ड्रोन के ऊपर जो लगने वाली उसको खत्म करने का प्रयास किया है और पूर्णता से खत्म हो गई है कि कस्टम ड्यूटी आप कहीं पर भी इसे इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरा और एक बहुत बड़ा हमने इसको पहल कर चुके हैं कि अभी हम लोग जो है जितने भी कस्टम हायरिंग सेंटर है उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो ड्रोन ड्रोन जो है वो खरीद सके उनको हम लोग सहायता प्रदान कर सके और उस तरह से उसका उसको सभी किसान भाई के लिए उसको इस्तेमाल हो सके उसमें लेकिन काले साहब कई तरह के नियम जो हैं वो पहले बताए जाते थे जिससे किसान सोचता तो था कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें लेकिन उसमें कहीं ना कहीं चुनौती भी नज़र आती थी तो क्या उनको भी कुछ सरल किया जा रहा है हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा ये कृषि मंत्रालय के पहल से ही आप देखेंगे कि डी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जो है किसान जो किस, खेती के लिए जो ड्रोन टेक्नोलॉजी ड्रोन उपयोग होते उसके लिए बहुत ही सरल उन्होंने उसके जो नियम बनाए हैं अभी आपको कोई ज़्यादा उसको लाइसेंस लेने की जरूरत ज़्यादा आपको जो है उसको आ, उसको इस तरह से कोई भी ऐसा करने की जरूरत नहीं जिससे कि ये बहुत टाइम लग सकता है वो सिंपल फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट भारत सरकार ने की है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो किसान उसको कह सकता है इसके साथ साथ में हमने ये किया कि हमने एक ड्रोन महोत्सव के रूप में हम उसको मना रहे हैं और सभी किसान भाई को जितने भी कस्टम हायरिंग सेंटर को हम लोग जो मैन्युफैक्चर है ड्रोन टेक्नोलॉजी के और ड्रोन जो बनाते हैं और जो बेचते हैं उनके साथ भी उनका वार्तालाप कर रहे हैं और दूसरे साथ साथ में जो डी ने सभी भारत में पूरे पैन इंडिया में जो है प्रशिक्षण का जो है सेंटर्स खुले हैं ताकि जो जो नए जो किसान भाई है जो जानते नहीं उनको प्रशिक्षित भी कर सके और उसको किस तरह से उसको हैंडल कर सके किस तरह से प्रावधान वो भारत सरकार के जो है जो असिस्टेंस का कैसे लाभ सकते इस तरह से हम लोग सभी भारत में पूरा प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं और लोगों तक जान उसको पहुंचाने का प्रयास करें क्योंकि इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है बहुत ही हमारी इनपुट कॉस्ट जो है कम हो सकती है और साथ साथ में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं स्प्रेइंग के वक्त या बहुत सी चीज़ों जो है उसमें आ, किसान जो है अपनी आँखें खो देता है या स्किन्स के ऊपर उसके प्रॉब्लम्स होते हैं तो इससे आपका जो है बहुत ही आ, ये जो सरलता से आप स्प्रे कर सकते हो और इससे आप बच सकते हैं बिल्कुल देखिए जो हमारी मशीनें हैं जाहिर तौर पर ना सिर्फ हमारी कृषि को और आधुनिक बना रही हैं लेकिन इसके साथ साथ आवश्यकता रहती है कि जो मशीन ना सिर्फ़ हमारी फसल को एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको सुरक्षा पहुंचाती है हमारे लिए भी वो सुरक्षित रहे उसके लिए भी कई ऐसी सावधानी हैं जो हमें अपनानी चाहिए और क्या उस बारे में डॉक्टर चंद्रमणि जो हमारे किसान हैं वो पूरी तरीके से जागरूक आपको नजर आते हैं कि जब भी मशीन का इस्तेमाल करें तो क्या सावधानी अपनाएं देखिए ये दूरदर्शन के माध्यम से किसान चैनल के माध्यम से और हम अपने संस्थानों में बार बार किसान भाइयों को मशीनों के सेफ यूज़ के लिए उनसे अनुरोध करते रहते हैं और मरम्मत और ये जो ये हैं उनका रख रखाव पर भी जोर देते रहते हैं और मुझे ये लगता है कि अभी ये जागरूकता बहुत है किसान भाइयों में कि कैसे चाहे आप, आप, आप स्प्रेयर की बात आ, जैसे काले साहब ने किया तो उसके लिए ग्लव्स पहनना है और सावधानियां रखनी है मशीन को हैंडल करने में और ऑपरेशन के समय कब कौन सा ऑपरेशन सेफ़ है इस पर हम समय समय पर किसान भाइयों को बताते रहते हैं जागरूकता बहुत बढ़ी है और मशीनों में सेफ्टी के लिए और जो इंतज़ाम है जैसे हमने कहा था, था थ्रेसर के एक्सीडेंट्स होते थे तो उनको सूट का और हमारे जैसे चारा काटने की मशीन है उन समय हमने छोटे छोटे डिवाइसेज संस्थानों ने बनाई है उन उन डिवाइसेज को लगा करके सेफ्टी एस्पेक्ट दिए गए हैं तो संस्थानों के माध्यम आई के जो इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे उसके ढेर सारी ऐसी रिसर्च करके और ये जो सेफ्टी के एस्पेक्ट्स हैं उनको काफ़ी महत्वपूर्ण तो किया, गया है और किसान भाइयों को इसको समय समय पर जानकारी हम देते रहते हैं देखिए हर एक मशीन जो है अलग अलग मानक उनके होते हैं और उन्हीं मानकों की जानकारी जो है किसानों को भी दी जाती है आखिर में यहाँ काली जी आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपने एक आंकड़ा हमें दिया कि अभी हमारे देश में इतने कस्टम हरिंग सेंटर जो हैं वो संचालित हैं आने वाले समय में क्या किसानों की मांग को देखते हुए इसमें इजाफा हो सकता है और किस तरीके से जो बदलाव है वो हम देखेंगे हम बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली आपने देखा कि भारत सरकार ने 2014-15 में सबमिशन में सबमिशनल एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन को लॉन्च किया और इसके द्वारा जो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं लेकिन आप देखेंगे कि किसानों की मांग बहुत है और हम इस मांग को पूर्ति करना असंभव है लेकिन भारत सरकार ने एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की है मैं चाहूंगा कि सभी किसान भाई को इसमें दो करोड़ रुपए तक का आपको प्रावधान है दो करोड़ रुपए तक का कस्टम हायरिंग सेंटर आप बना सकते हैं और इसमें बहुत ही सरल लगभग इंटरेस्ट सबमिशन देते हैं लगभग भारत सरकार जो है तीन का इंटरेस्ट सबमिशन देती है तो मैं किसान भाई को चाहूंगा कि सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन एक तो स्कीम है ही हमारी और बाकी स्कीम में भी हमारा मेकानाइजेशन कम्पोनेंट है मैं साथ साथ ये चाहूंगा कि आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी आप उसको देखें कि किस तरह से आप अपना कस्टम हायरिंग सेंटर इस फंड के द्वारा आप कर सकते ताकि हम पूरे भारत में काफ़ी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर आप हम क्रिएट कर सके लोगों की जो समस्या है जो एग्रीकल्चर की समस्या है जो है उसको हम निराकरण कर सके और और इस कृषि को हम बहुत गति दे सके क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों को आज हम लोग 280 मिलियन टन के पार है लेकिन अभी आने वाले समय में हम लोगों चार सौ मिलियन टन के पार जाना है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही और कृषि मैकेजेशन ही ऐसा एक साधन है कृषि यही एक माध्यम है जिससे हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं तो भारत सरकार इसमें निरंतर प्रयास कर रहा है और आने वाले समय में हम लोग और इसमें किस तरह से और हम लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे इस तरह से प्रयास करेंगे बिल्कुल देखिए यही एक विकल्प हमें नजर आता है और काफी बेहतर है साथ ही जैसे आपने कहा कि जो किसान है इनकी शुरुआत कर सकते हैं क्या जो किसानों को एक सुविधा दी जाती है किसान क्रेडिट कार्ड की उसके जरिए भी किसान इसकी शुरुआत कर सकता है ऐसा है बहुत अच्छा सवाल है आपका जो के सी सी किसान क्रेडिट कार्ड जो है आज के दौर में जो है हम लोग जो सिर्फ दैनंदिन जो कृषि कार्य में जो भी उसका ख, खर्चा करना है उसके लिए उसके लिए उसके, उसके प्रावधान है लेकिन जो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें उसमें अभी प्रावधान नहीं लेकिन हम चाहते हैं कि जो छोटे और मझूले किसान हैं अगर उनको छोटे छोटे यंत्र खरीदना है तो वो किसान क्रेडिट का जो फंड है राशि है उसमें वो उसका इस्तेमाल कर सके इसके लिए हम पहल कर रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के राशि में भी से वो छोटे छोटे यंत्र भी खरीद सके इसके लिए हम पहल कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में इसको हम प्रावधान डाल देंगे तो जाना आज आपने किस तरीके से मशीनों की जब बात की जाती है तो कैसे अब हमारे देश में फिर से हम मान सकते हैं किसानों का रुझान जो है मशीनों की तरफ हुआ है क्योंकि आज के समय की मांग वही है जिस तरीके से लगातार मांग निकलती है और मांग और खपत के बीच का अंतर अगर हमें खत्म करना है तो एक विकल्प जो नज़र आता है वो मशीनों का है और उस पर अब सरकार भी पूरी तरीके से जोर दे रही है जो किसान हैं उनके पास ये मशीनें पहुँच रही हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी कृषि जो है आधुनिक होती रहेगी किसानों की जो पहुँच है उसको भी हम मान सकते हैं बढ़ावा सरकार की तरफ से दिया जाएगा जिससे नई नई मशीनें उनके पास समय से पहुँचें और उनकी जो फसलें हैं उनकी जो एक नई है आधुनिक कृषि है वो और भी ज्यादा अच्छी हो सके बेहतर हो सके और उसका लाभ उन किसानों को भी मिल सके तो फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही आपको बता दें आप विचार विमर्श को देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो क्यू कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए उसके बाद ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले सकेंगे कभी भी कहीं भी फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही दीजिए इजाजत नमस्कार